मैं पूनम। पीएम मोदी के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात को देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। 23 करोड़ लोग नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। दरअसल IIM रोहतक ने मन की बात को लेकर एक स्टडी की है। यह स्टडी प्रसार भारती ने कराई है। IIM के डायरेक्टर धीरज शर्मा और प्रसार भारती के CEO गौरव त्रिवेदी ने बताया कि स्टडी के लिए डेटा कलेक्शन हिंदी के साथ साथ कई रीजनल भाषाओं में किया गया था। मन की बात का 100वां एपिसोड 30 अप्रैल को प्रसारित होगा। 73% लोग देश की प्रोग्रेस और सरकार की वर्किंग को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन्हें लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है। 60% लोगों में राष्ट्र निर्माण कार्यों में योगदान देने का जज्बा पैदा हुआ। सरकार के प्रति आम भावना का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सर्वे के अनुसार 63% लोगों का रवैया सरकार के प्रति पॉजिटिव हुआ। 59% लोगों को लगता है कि उनका भरोसा सरकार पर बड़ा है। 55% लोगों ने कहा कि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। 58% श्रोताओं ने कहा कि उनकी लिविंग कंडीशंस में सुधार हुआ है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।